अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू यू ऑन शो। इस वक्त हम हैं लिबर्टी मार्केट में, दुपट्टा गली जिसे कहते हैं, वो इसका एरिया है जहां पे लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। और आपको पता है शॉपिंग जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, स्पेशली ख़वातीन के लिए। ख़वातीन को बोला जाए कि आएँ शॉपिंग करने चलें तो वो बीमार हों या जो मर्ज़ी हों, लेज़ी हुई हों, उठ के चल पड़ेंगी। और जिनकी बेगमात हैं वो, तो उनके शोहर जो हैं वो परेशान हो जाएंगे कि अब तो आज हमारी जेब कटने वाली है। आई होप आप लोग जो हैं वो सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा जो सवाल है बूझो तो जीतो का, वो मैं आपको बता देती हूँ। सब लोग मुझे यही कहते हैं कि महानूर आपकी पहेलियाँ जो हैं वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, क्वेश्चन बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन आपको पता है मैं प्रोग्राम के एंड में जवाब ज़रूर देती हूँ। हमारा आज का सवाल ये है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जो आपके हाथ में भी होती है लेकिन आपके हाथ खाली रहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है। हम पूछेंगे लोगों से और देंगे लोगों को गिफ्ट हैम्पर, जो भी वो सुनाना चाहें, चाहे वो कोई गाना सुनाना चाहें, उनके अंदर टैलेंट है जो हम लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सामने लेके आ सकें। तो बढ़ते हैं लोगों की तरफ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान, आप क्या करते हैं? ये बिजनेस करते हैं। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर में। और आप क्या करते हैं? मैं जी आल्सो बिजनेस इन यूएस। अच्छा, यूएस में होते हैं, जबरदस्त। कैसा लग रहा है पाकिस्तान आकर? नाइस, लवली, नाइस टू कम बैक होम। कैसे लोग हैं? लवली, वेरी नाइस। यूएस के ज्यादा लोग अच्छे होते हैं या पाकिस्तान के? आई थिंक दोनों साइड पे, यहाँ जरा गंदगी और ये जरा चीजें, पॉलिटिकल अच्छा माहौल होता है। आप पाकिस्तान बॉर्न होंगे? जी जी, ऑफ कोर्स। लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, वो भी मेरे होते हुए। नहीं नहीं, जो चीज़ है अच्छी वो तो सही है। जो एक ले लाहौरियों को बुरा कह रहे हैं आप? बुरा नहीं, मैं कह रहा हूँ सफाई वगैरह जरा और काम शाम जरा पॉलिटिकल इधर इश्यूज हैं, तो अल्लाह करे अच्छा हो जाए मुल्क और तरक्की करे। अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि आप बताएं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया बिज़नेस करते हुए? 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं। तो हमारे जो लोग हैं, वैसे तो आपको पता है पाकिस्तान में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिज़नेस की, तो जो यंगस्टर्स हैं जो अभी स्टडीज़ करके निकले हैं, वो बिज़नेस पढ़ रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? बिज़नेस की तरफ आएँ या नौकरी कर लें? नहीं, मेरे ख्याल में कि बिज़नेस की तरफ आएँ, मगर स्टार्टअप छोटे से करें, छोटी इन्वेस्टमेंट से करें। आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट हो भी ना, मेरी एडवाइस ये है कि आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें, ऐसा ऐसा ग्रो करें, आपको समझ भी आ जाएगी मार्केट, और ऐसा ऐसा आप ग्रो करेंगे तो है ना, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ढेर सारे पैसे। एकदम से कभी भी ना आप करें, आपको हों भी तो आप ना इन्वेस्टमेंट करें, आप छोटी लेवल से स्टार्ट करें और ऐसा ऐसा ग्रो करें, आपको समझ आ जाएगी फिर। व्हाट्स योर ओपिनियन? जी बिल्कुल, ऐसे स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडी भी करनी चाहिए और यंग एज में बिजनेस शुरू कर देना चाहिए ताकि वो साथ में स्टडी करें और साथ में लर्न करें, एंड देन ग्रो एंड हैव अ बिगर विजन, के उसके बाद यहीं बैठ के भी बाहर के मुल्कों में काम कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, और विजन यही रखें कि अपने आप को यहाँ से निकल के दुनिया में तक लेके जाए। ऑनलाइन की जैसे जिस तरह आपने बात की, आपको पता है ऑनलाइन बहुत बिजनेस चल रहा है पाकिस्तान में, तो जिस तरह कोरोना जैसे ही शुरू हुआ था तो उसमें लोगों के पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, जहाँ पे एक सब कुछ बंद हो गया था वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई, लोगों को आइडियाज आ गए, घर बैठ के दिमाग खुल गए कि हम जो है वो कोई ऑनलाइन बिजनेस करें। तो आप कौन सा बिजनेस करते हैं, इफ यू डोंट माइंड आप बताना चाहें? जी, हमारा जी एक्चुअली तो हम इन मेडिकल फील्ड, वी आर रनिंग मेडिकल कॉलेज, और फिर हमारा ट्रेडिंग है वर्ल्ड वाइड, तो हम लोग सारा मीडिया के थ्रू भी जो हमारा बिजनेस है वो मशीनरी का है, हम सारी दुनिया में बिजनेस करते हैं, यहीं भी बैठे, चाहे मैं गांव में भी हूँ तो आई कैन ट्रेड माय बिजनेस एंड ऑल। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ बैठ के भी आप बॉस करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने बाहर के मुल्क जाके करना है, यहाँ बैठ के भी अब आप प्लेटफॉर्म है, सब चीज़ें हैं, तो आप अपने आप को दुनिया में एक्सपोज करके डॉलर यहीं बैठ के भी कमा सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, हम देखते हैं जब हमारी कोई फैमिली के भी लोग हैं, फ्रेंड्स भी हैं जो वहाँ पर होते हैं, तो वो बड़ा कहते हैं कि हम पाकिस्तान को बड़ा मिस करते हैं, क्योंकि अपना मुल्क होता है, जो आज़ादी यहाँ पर है वो वहाँ नहीं मिलती है। लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन कि जब हम अपने मुल्क में होते हैं तो हम सारे रूल्स भूल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सारे रूल्स याद आ जाते हैं, ट्रैफिक रूल भी फॉलो कर रहे होते हैं हर चीज़, ये सब क्या है? मतलब ये हमारी नेचर में शामिल है क्या है? नहीं, उसकी वजह ये है, मेरा ख्याल है कि बचपन में ट्रेनिंग दी जाती है, अगर बच्चों को स्कूल में ये ट्रेन कर दिया जाए कि आपने पौधों को नहीं तोड़ना, आपने जानवरों से अच्छा सलूक करना है, तो ये ट्रेनिंग का लैकिंग है कि बच्चों को बेसिक एजुकेशन में ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तो फिर जब हम बाहर जाते हैं अच्छी चीज़ें देखते हैं, तो अगर वो यही ट्रेनिंग बच्चों को यहीं हो जाए फ्रॉम द क्लास वन, जैसे जापान सिस्टम है, जैपनीज, वहाँ पर 5 पहले साल लोगों के करेक्टर बिल्डिंग पर लगाए जाते हैं, दे लर्न अ लॉट, तो उसकी लैकिंग है।
ठीक है, तो मुझे बताएं कि यूएस में तो वैसे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या फील होता है? वैसे कहाँ रहते, कहाँ है यूएस में, कहाँ है? जी आई एम बेस्ड इन ह्यूस्टन टेक्सास, तो क्राइम रेट वाकई उधर हैं, लेकिन वहाँ पे क्योंकि गन्स की कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे गन्स वगैरह का वो इशू नहीं है, तो सेफ्टी हमारे मुल्क में मैं समझता हूँ मच बेटर है, और यहाँ का माहौल अच्छा, गपशप लोगों की आपस में इंटरेक्शन बहुत अच्छी है। कितने अरसे के लिए आप आए हैं अभी पाकिस्तान? जी मैं और मेरी मिसेज वो वहाँ खड़ी हैं, तो वी आर बोथ डॉक्टर्स, हम आके अपना मेडिकल कॉलेज यहाँ चला रहे हैं, वी केम फॉर अ चैरिटी। तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। वैसे आपकी बेगम भी आ जाती तो ज़रा मज़ा आता, हम पूछते अगर आ जाती आप तो बहुत अच्छा होता। आजा, कोई बात नहीं, ये हमारी ख्वातीन का मसला होता है, कपड़ों का मसला है, मेकअप का मसला है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं, आप भी बेगम के साथ आए? नहीं मैं नहीं, आज मैं अकेला ही आया। आपको बेगम से प्यार नहीं है? नहीं, प्यार है, बहुत प्यार है। हाँ, अगर आप ये ना कहते तो आपको घर जाके मार पड़नी। ऐसे ही है। शादी को कितना अर्सा हुआ? चार साल। आपकी शादी को कितना अर्सा? 3 years। सामने खड़ी हुई है, मुझे बताएं क्या क्वालिटी है इनमें अच्छी? शी इज अ गुड वुमन, अ गुड फ्रेंड एंड गुड कुक। गुड कुक, क्या अच्छा बनाती है? आई ईट, शी कुक। अच्छा, तो क्या बनाती हैं ये मुझे ये बताएं। शी कुक टर्किश वेरी वेल, शी कुक लज़ानिया, शी कुक अरबिक स्टाइल एंड देसी। अपने अपने कसूर में, गांव में वो तंदूरी भी लगाई है, देसी मज़े भी करते हैं और लर्न ऑल द फ्यूजन। गांव से आपने बताया, कसूर वाली साइड से? जी कसूर की मछली और अंदरसे बड़े फेमस हैं। दैट्स राइट, एंड बुल्ले शाह एज़ वेल। तो बुल्ले शाह की वैसे मुझे बताएं, क्योंकि शेर व शायरी का शौक़ है आप? नो, आई एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं पाकिस्तान में? जी पाकिस्तान में या यूएस में भी? यूएस में तो बड़ी चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ अब नहीं बता सकता। सो नाउ आई एम इन पाकिस्तान, सो यहाँ पे हम गांव में जाते हैं जी, अपने शहर की वो कवाली सुनते हैं, हमने हवेली बनाई है, वहाँ पे पूरा अपने कल्चर, अपनी 200 साल फैमिली की हिस्ट्री रखी है, तो एवरीबॉडी कैन वेलकम टू कसूर एंड वी कैन होस्ट। आई एम अ चेयरमैन ऑफ बीआईटी। हम कब आएं बताएं फिर, हमें कब वेलकम कर रहे हैं? या यू गाइस कम नेक्स्ट वीकेंड, आपके लिए कवाली अरेंज करेंगे एंड फालूदा एंड मछली ऑल ऑन अस। अरे वाह, फालूदा, फालूदा सुन के जो है ना वो दिल कर रहा है कि फालूदा खाया जाए। आप मुझे बताएं, आप दोनों दोस्त हैं ना? जी ये मेरे मामू है, मैं इनका भांजा हूं। नहीं झूठ बोलते हैं, मामू ये है, मैं भांजा। अच्छा, यानी कि आप जो है वो कहना चाह रहे हैं यू आर यंग है ना? तो ये माय हार्ट, देखिए इंसान जो है वो जितना यंग वाइफ, शी लुक्स वेरी यंग। और आप आ जाएं, मुझे बता दें आपकी पहली बीवी है या दूसरी बीवी है? पाकिस्तान में पहली है। पाकिस्तान में पहली है और वहाँ पर जो है वो भूल गया हूँ, गोरियां गोरी भी थी, आई फॉरगॉट, नाउ आई एम बैक टू माय कल्चर। अच्छा, तो चलिए मुझे बताएं आपके कितने अच्छे ये मामू हैं? मामू ही बनाते हैं? बहुत अच्छे हैं, हम अमेरिका भी इकट्ठे थे वहाँ पे, फिर मैं यहाँ आया, फिर ये भी यहाँ आगे। So we have very good bond. He's like my little teddy bear baby. I love him like a baby. बताएं कैसे ट्रीट करते हैं आप? आज हैं, प्लीज़ इधर आएँ, अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हूँ, ये ना हो कि मेरे पे कोई बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सादिया भट्टी। सादिया, मुझे ये बताएं कि बड़ी इन्होंने तारीफ़ें कर दी हैं आपकी। मैं भी इनकी ऐसी ही तारीफ़ें करती हूँ। अच्छा, तो क्या इनमें क्या अच्छी क्वालिटी और बुरी आदत बता दें इनकी? ज़्यादातर तो अच्छी आते हैं कि मतलब कि ये मतलब के बहुत बोल्ड हैं। दिल में कह रही हूँ कि चल झूठी। नहीं नहीं, वो जनरली मतलब के चीज़ें जो पाकिस्तान में मोस्टली लोग जो है वो फॉलो नहीं करते, बच्चों को रूल्स बताना। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द मेडिकल कॉलेज, आई हैव द 350 स्टूडेंट्स। अच्छा, जिनको ये बताते हैं कि आपने ये करना है ये नहीं करना, क्योंकि बच्चे मैट्रिक के बाद भी उनको इतना पता नहीं होता क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी, तो उनको बड़े अच्छे तरीके से मतलब हैंडल करते हैं, गाइडलाइन देते हैं कि क्या करना चाहिए। मतलब कि वो जो 10 साल में नहीं करके आते उनको हम मतलब 2 years में बताते हैं। तो ये वो 10 साल का गैप जो है वो पूरा हो जाता है 2 साल में ऑलमोस्ट। जी उनको अगर आप सही चीज़ें बताएं, यू नो यहाँ लोग ज़रा मेच्योर लेटर होते हैं, अगर उनको चीज़ें बताएं, आपने एक अच्छा ह्यूमन बनना है, उनकी करेक्टर बिल्डिंग करें और उनको ये कहें कि एम्पैथी के साथ काम करें, तो पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। आप इस वक्त हैं बूझो तो जीतो प्रोग्राम में, इसमें हम करेंगे आपसे सवाल, आप जवाब देंगे तो आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, नहीं भी देंगे तो भी गिफ्ट हैम्पर दे देंगे हम आपको। हमारा सवाल है आज का वो ये है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में होने के बावजूद भी आपके हाथ खाली होते हैं? पैसे? नहीं, वो तो फिर खाली नहीं होंगे ना हाथ। बीवी? आप सोचे चले, हिंट देती हूँ आपको, पहनने वाली चीज है। हाथ में? आप तो मेडिकल से रिलेटेड है, सोचिए। नर्व्स? वेंस? नो, पहनने वाली चीज है। अंगूठी? अंगूठी?
उससे हाथ खाली कैसे रहे। बहुत आप मैं आपको बाद में जवाब आपको मिलेगा प्रोग्राम के एंड में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। जाते जाते आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल कंट्री, मेहनत करें, प्राउड हों अपनी नेशन पे। यही नहीं कि हमने बाहर ही जाना है या पाकिस्तान अच्छा नहीं, पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, कमियां हैं, लेकिन इसको लव करें, ऑन करें और पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान को मत लूटें और पाकिस्तान से मुखलस होकर चलें। इस मुल्क में बहुत कुछ है, बहुत कुछ दे सकता है, मगर आप सच्चे दिल से प्यार करें और सच्चे दिल से प्यार करने का यही मकसद है कि आप इसको आगे बढ़ाएं और इसके लिए अच्छा करें। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही सबको कहना चाहूँगी कि सब जो है मिलके पॉजिटिवली और मतलब सब जो है अपने अपने हिस्से का जो है ना रोल प्ले करें और पाकिस्तान के लिए दुआ करें और काम अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। लाहौर न्यूज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, मैंने तो बहुत इंजॉय किया। हम चलते बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम है आपका? वजीहा। वजीहा क्या करती हैं? पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हैं, क्या स्टडी कर रही हैं? सेवन क्लास में। सेवन क्लास में। वजीहा लाइफ के क्या गोल्स हैं, क्या करना चाहती हैं? मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ। बायोलॉजी पढ़ना चाहती हैं। और वैसे हर बंदा होता है ना, उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी होती है दूसरों का ख्याल करने वाले। आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या क्वालिटी है? शेयरिंग की। शेयरिंग की। हाँ, आजकल मैंने देखा बच्चों के अंदर भी शेयरिंग वाली क्वालिटी नहीं है। बच्चे जो है वो अपनी चीज़ शेयर नहीं करते, उनसे मांगो तो कहते हैं नहीं नहीं हमने नहीं देनी। तो आपने कभी ऐसे इरिटेट हुई हैं ऐसे बच्चों से? थोड़ा थोड़ा हुई हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं होती, थोड़ा थोड़ा हुई हूँ। थोड़ा थोड़ा हुई हैं, ठीक है। तो किसको आइडियलाइज करती हैं? पेरेंट्स में किसी को करती हैं, किसी फ्रेंड को करती हैं या कोई पर्सनैलिटी है? पेरेंट्स। पेरेंट्स को करती हैं। किसको, मामा को या बाबा को? मामा। मामा को। क्या किया है मामा ने ऐसा, मतलब मामा खड़ी होकर वीडियो बना रही हैं, क्या किया है मामा ने ऐसा लाइफ में? पेरेंट मतलब मामा भी बाबा भी, पेरेंट्स दोनों, मतलब लेकिन ज़्यादा मामा। ज़्यादा मामा, क्योंकि वो हाउस वाइफ है। हाँ। अच्छा, हाउस वाइफ है इसलिए ज़्यादा आप देखती होंगी, काम करती होंगी, आपका ख्याल रखती होंगी, और माएँ तो ऐसी होती हैं। हमारा सवाल है आज का, मुझे ये बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में होते हुए भी आपके हाथ खाली होते हैं? हाथ में होते हुए भी मौत। हिंट दे देती हूँ आपको, हिंट ये है कि वो सर्दियों में पहनने वाली चीज़ है। हाथ में होते हुए भी हाथ खाली होते हैं। क्या शेयर करना चाहेंगी, कुछ सुनाना चाहेंगी? साइंटिफिक फैक्ट शेयर करूँगी। साइंटिफिक फैक्ट शेयर करेंगी, करें। जो मॉस्किटोज होते हैं वो ब्लड टाइप ओ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन एनी अदर। और एक और फैक्ट ये है कि सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून पे कार्बन एटम्स होते हैं, वो क्रिस्टलाइज करते हैं, तो वहाँ डायमंड्स रेन करते हैं और वहाँ पर ईयर 3000 मिलीमीटर से ज़्यादा डायमंड्स रेन करते हैं। अच्छा, क्या बात है, ज़बरदस्त। आपसे हम टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आपने जो है वो बोलना है कच्चा पपीता पका पपीता 5 दफ़ा। यू हैव टू से इट लाइक यू नो फास्ट। आपने फास्ट बोलना है। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। अरे वाह, आपने तो कर लिया, बड़ी टैलेंटेड हैं आप। और वैसे अपनी इंटरटेनमेंट के लिए क्या करती हैं? कोई गेम्स खेलती हैं, सॉन्ग सुनती हैं, क्या करती हैं? एक तो मैं अपनी इंटरटेनमेंट के लिए कभी दिल चाहता है तो, मतलब वैसे पढ़ाई से टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब टाइम मिलता है तो यूजुअली टीवी देख लेती हूँ या यूजुअली थोड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ भी देख लेती हूँ टू इन्हांस माई इंफॉर्मेशन। अच्छा, चलें, थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको ये गिफ्ट हैम्पर, ये लें। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी अच्छी साइंटिफिक फैक्ट्स उन्होंने बताए और बड़ा मज़ा आया मुझे इनसे बात करके, और बड़ा अच्छा लगता है बच्चे जब इस तरह की बातें करते हैं, यानी जो स्टडी करते हैं और वो उस पर उनको याद भी रखते हैं, उसको लोगों को भी बताना चाहते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है बूझो तो जीतो लाहौर न्यूज़, स्टे विद अस। शौक क्या है, गोल्स क्या है, लाइफ के क्या करना चाहते हो? मेरा गोल एक है, सिर्फ मैंने रैपर बनना पाकिस्तान का, सिर्फ लाहौर। अच्छा, रैपर बनना चाहते हो? पहले तो मैं सवाल करती हूँ, फिर हम जरा बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे और आपका रैप सुनेंगे। पहले तो हमारा सवाल है आज का ये, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में होते हुए भी आपके हाथ खाली रहते हैं? बस दुआ मेरी रब से कि जो भी सोचा मैंने हो जाए वो। आँखें बंद करूँ बैकवर्ड्स आए, आँखें खोलूँ मेरा बेस्ट वर्स का है। ये पेन तेरे बाप का नहीं होए, नशे से 12-13 पर्स वर्स का है। जहाँ तू वहाँ हम रहे ना, दिल में बातें दफन कभी मुंह पर कहे ना,
तेरी हैश चाली हैश मेरी मैराथन, आई गॉट 1 2 3 आई डोंट नो विच कप तेरा मोन, मुझे पता नहीं मैं कितनी पी चुका हूँ, बुरी आदतें हैं मेरी, आई गॉट बैड हैबिट्स। क्या सुनाना चाहेंगी, कोई गाना वगैरह सुनाओगी आप? इसको चाइनीज आती है। क्या आती है? इसका चाइना लेना, तो ये चाइनीज चाइनीज बोलती हूँ। अच्छा, तो चाइनीज बोलती हो, चाइनीज में क्या सुनाओगी, पोइम सुनाओगी क्या? मुझे 1 2 आती है और अस्सलाम वालेकुम को चाइनीज में नी हाओ कहते हैं। अच्छा, तो और क्या क्या, कोई पूरी बात आती है कि कोई मैसेज देना चाहो? इतना नहीं आता मुझे, 1 2 आती है चाइनीज। 1 2 आती है, कितनी 1 2 कितनी आती है? 20 तक चलें जी, सुनाए माइक। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। इस वक्त हम हैं लिबर्टी मार्केट में, हम कह रहे हैं लोगों से ढेर सारी बातें, उनसे कह रहे हैं सवाल, तो आइए बढ़ते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन। हसन, बड़े कूल लग रहे हो, क्या करते हो? मैं रैपिंग करता हूँ और मैं वीडियो एडिटिंग का काम करता हूँ। वीडियो एडिटिंग का काम करते हो, स्टडी भी करते हो? हाँ जी, फर्स्ट ईयर। क्या पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर में। आप इतनी जल्दी में क्यों लग रहे हो? नहीं वैसे ही मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या शौक क्या है, गोल्स क्या है लाइफ के, क्या करना चाहते हो? मेरा गोल एक है, सिर्फ मैंने रैपर बनना, पाकिस्तान का सिर्फ, लाहौर। अच्छा, रैपर बनना चाहते हो? पहले तो मैं सवाल करती हूँ, फिर हम जरा बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे और आपका रैप सुनेंगे। पहले तो हमारा सवाल है आज का ये, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में होते हुए भी आपके हाथ खाली रहते हैं? घड़ी। नहीं। किस्मत। नहीं। एक और चांस। नाखून। नहीं। चले मुझे बताएं कि आप रैप करना चाहते हैं, खुद लिखा है किसी का रैप? नहीं, मैंने खुद लिखा हुआ। खुद लिखा हुआ है, ठीक है जी, सुनाए। ये कुछ बातें मेरे दिल में, बेड़ा सेकंड उन्हें सुनो अभी जाओ नहीं, मेरी जिंदगी में वैसे इतने मसले, मेरी जिंदगी में और मसले लाओ नहीं, तुम मैं और एक कप चाय, हम दोनों हाय, हमें बीट देते बैकवर्ड्स, हम साथ करे फ्लाई, सुबह सुबह तुझे मैसेज करूँ हाय का, रात तक वेट करूँ मैं रिप्लाई का, चलाऊँ गाड़ी तेज रो जाए वो, लॉन्ग ड्राइव में तो सो जाए वो, बस दुआ मेरी रब से कि जो भी सोचा मैंने हो जाए वो, आंखें बंद करूं बैकवर्ड्स आए, आंखें खोलूं मेरा बेस्ट वर्स का है, ये पेन तेरे बाप का नहीं होए, नशे से बारा तेरा पर्स वर्स का है, जहां तू वहां रहे ना, दिल में बातें दफन कभी मुंह पर कहे ना, तेरी हैश चाली हैश मेरी मैराथन, आई गॉट 1 2 3 आई डोंट नो विच कप तेरा मोन, मुझे पता नहीं मैं कितनी पी चुका हूँ, बुरी आदतें हैं मेरी, आई गॉट बैड हैबिट्स, शुरू के नशे में मैं आसमान देखूँ ताकू आसमान को, लाइक आई एम स्काई एडिक्ट, जख्म दिए तूने नीड सम मेडिकेट, THC पी ली तुमने ना, यू फीलिंग नेगेटिव, है फखर मुझे बड़ा अपने वतन पे, मैं चैंपियन उड़ाऊँगा अपने खुद के सिल्वर बटन पे, ये आज पता नहीं कि क्या हुआ उसे, पहले ऐसे तो वो थी नहीं, मैं पीऊँ भी तो अब उसके घर के आगे, कोई चीज़ उसे छुपी नहीं, हम दोनों लड़ते नहीं थे पहले, आज पता नहीं कि क्या हुआ उसे, खा गए सब चोर गुनहगार, कोई ना माने खुद को, मेरा मुल्क है ये, मेरा मुल्क कहकर खा गए मुल्क को, हुक्मरान सारे चोर, सीटें साफ रखा कैश कर में, मरे गरीब ये लंदन में बैठे ऐश करने, नहीं कोई फिक्र इनको ना ही कोई फाका ब्रो, कौमी खजाना मत कहना ये इनका खाता ब्रो, सियासतदान सारे नाम के हैं, माफिया से गहरा इनका नाता, सॉफ्टवेयर अपडेट हक लेने बाहर आता जो, हाथों हाथ होते काम जो हराम के हैं, रिश्वतखोर वर्दी में है ये तो सारे जानते हैं, मैं ना ही नून लीगी ना ही मैं हूँ तीर, ना तहरीके इंसाफ से हूँ, मुझे मत मारना पर सबके खिलाफ मैं हूँ, रोड ब्लॉक इन चोरों के लिए करे जो अवाम, एम्बुलेंस में तड़पे पेशेंट ट्रैफिक जाम, मुल्क कब बोलेगा सच जो चले झूठ पे, अब FBI दिखे YouTube पे, मीडिया बस पूछती है ये क्या है और क्यों है, मिडिल क्लास की खुराक से तो महंगे इनके शैम्पू हैं, ड्रग डीलर सारे बैक टू बैक डील्स करे बैठे थानों में, मेरी माँ बोले चुप हसन तू ऐसे सच ना बोला कर अपने गानों में, मुलाहिजा फरमाए ये सारे कलाकार हैं, सियासत का मक्कार ये सारे अदाकार हैं, असल में चोर डाकू मुल्क के ये गद्दार हैं, असल में समझदार जो बैरून मुल्क आबाद हैं, ये चले। थैंक यू वेरी मच। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस ये है कि अपने टैलेंट को प्रमोट किया करें, बस बॉलीवुड के सॉन्ग्स गाते हैं यार लोग यहाँ पे, बस नहीं गाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान का गाना गाना चाहिए, पाकिस्तान में खुद इतना टैलेंट है। थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप कोई गिफ्ट नाम पर, थैंक यू वेरी मच। बिकॉज आई होप आपने जो बच्चे ने जो है वो रैप सुनाया वो बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और भी लोग खड़े हुए हैं मार्केट में इस वक्त, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम है आपका?
माहम आपका महीन आपका हलीम अमजद कौन सी क्लास में है मैथ 4 में हूँ आप 5 9 9 में है अच्छा चले मुझे बताएं कि अभी शॉपिंग करने आई हैं जी चले तो क्या क्या बनना चाहती हैं आप तीनों मैं मुझे बैंकिंग का शौक है क्या शौक है बैंकिंग का शौक है बैंकर बनना चाहती हैं आप क्या बनना चाहती हैं मैं डॉक्टर डॉक्टर आप पायलट पायलट बनना चाहती हैं जहाज उड़ाने हैं अच्छा ठीक है सवाल है हमारा आज का ज़रा मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में होते हुए भी आपके हाथ खाली होते हैं रुका लगा लें कोई क्या सुनाना चाहेंगी कोई गाना वगैरह सुनाओगी आप इसको चाइनीज आती है क्या आती है इसका चाइना लेना तो ये चाइनीज चाइनीज बोलती हूँ अच्छा तो चाइनीज बोलती हो चाइनीज में क्या सुनाओगी पोइम सुनाओगी क्या मुझे वन टू आती है और अस्सलाम वालेकुम को चाइनीज में नी हाओ कहते हैं अच्छा तो और क्या क्या कोई पूरी बात आती है कि कोई मैसेज देना चाहो इतना नहीं आता मुझे वन टू आती है चाइनीज वन टू आती है कितनी वन टू कितनी आती है 20 तक चलें जी सुनाए माइक ई आर सान सु वु लियो ची पा जियो शी शी आ शी सान शी वु शी लियो शी पा शी जी आ शी आप लोग फिर इनका तो मजाक उड़ाते होंगे शी शा पा जियो है ना अभी उड़ाया है मजाक हाँ जी ये क्या था मुझे तो खुद समझ नहीं आई ली पा पू ये व्हाट इज दिस चाइनीज थी काउंटिंग है काउंटिंग है अच्छा चले ठीक है बाहर लैंग्वेज है सबकी मुझे ये बताएं कि आप क्या शेयर करेंगी या सुनाएंगी सुनाएंगी आप चाहता है आपको बचपन की कोई पोइम याद है याद है बचपन में बड़ी फेवरेट पोइम लगती हो वो याद हो सुना दो तुम गाना आता है सुनाए ना ये देखिए बहन कह रही है सुना दो ना सुनाए सुना दे सुना दे अगला अगलावा मजबूरी नो आन जान दी पसूरी नो जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नो आना सी ओ नहीं आया दिल बाद बाद मेरा टकराया दागा पोश के डस जावे पिका बंदी चूड़ी नो रावाच बावाच ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके ए मेरे रोल जुदाया दी तेन खबर की है होवे आ जावे बिन तेरे चले ज़बरदस्त बिल्कुल हल्की हल्की आवाज़ में गा लिया लेकिन कुछ ना कुछ गा लिया है थैंक यू वेरी मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप बच्चों को ये गिफ्ट हम पर ये लें थैंक यू सो मच व्यूअर्स आई होप आपने ये गाना इन्जॉय किया होगा हम हैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं आइए मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका एजाज आपका क्या नाम है रिजा फातिमा रिजा फातिमा कौन सी क्लास में है 6 रिजा क्या बनना चाहती हो बड़े होकर डॉक्टर और पोइट्री करना चाहती हूँ पोइट्री करना चाहती हैं पोइट्री शायरी का शौक है आपको अरे वाह बड़ा छोटी सी उम्र में है आप क्या करते हैं मैं कंसल्टेंट हूँ कंसल्टेंट है किस चीज़ के मैं SAP अच्छा ठीक है आप मुझे बताओ पोइट्री का शौक है कोई पोइट्री सुनाना चाहोगी जी सुनते हैं आपसे लेकिन पहले हम करते हैं सवाल मुझे ये बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में होते हुए भी आपके हाथ खाली होते हैं पीछे मतलब वो चीज़ आपके हाथ में होती है लेकिन आपके हाथ फिर भी खाली होते हैं कमियाबी आप बताएं नहीं मुझे कैसे आपको नहीं पता चलें हम आपसे हम पोइट्री सुनते हैं पोइट्री सुनाएंगे और कोई नात वगैरह सुनाना चाहेंगी मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है मैं मदीने की जान बना कैसे जीऊं मैं मदीने की जान बना कैसे जीऊं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से यूं रोजा मदीने में है चलें बड़ी ज़बरदस्त आपने नाच सुनाई आप मुझे बताएं कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैं ये कहूँगा कि हमें खुश रहना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखें पड़ोसियों का ख्याल रखें थैंक यू वेरी मच आपको ये गिफ्ट हैम्पर ये लें थैंक यू सो मच
व्यूअर्स, आपने देखा बच्चे ने जो है बड़ी खूबसूरत आवाज़ में जो है वो नाच सुनाई और बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने दिया कि खुश रहें। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। मुझे बताएं आप क्या गोल्स हैं लाइफ के, क्या करना चाहती हैं? मैं आगे लेक्चरर बनना चाहती हूँ। लेक्चरर बनना चाहती हैं, सख्त वाली टीचर? नहीं सख्त तो अम्मा ने जिस तरह मामा ने क्लासेस लगाई हुई ऐसा लग रहा है ये भी टीचर ही हैं। वैसे हमारी टीचर ही होती हैं। अम्मी के हाथ का सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? सब कुछ पसंद होता है अम्मी के हाथ का। तो वैसे ये चिकन बहुत मज़े का बनाती है मामा। कौन सा चिकन? चिकन चिकन नहीं, चिकन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चिकन में बिरयानी होती है, चिकन कढ़ाई होती है। कढ़ाई पसंद है आपको? अच्छा जी, कोई ख़ास रेसिपी है? सही बात, ये तो हर किसी की पसंद है ना। अच्छा, क्या क्या रेसिपी है कुछ शेयर करना चाहेंगी? हमारी खवातीन नोट कर लें, मुझे पता लग जाए। उधर घूमना फिरना, घूमना फिरना लगता है सबकी स्टोरीज देखती हूँ और आप कहती होंगी कि यार चलो मैं भी चली जाऊँ। सुधर गया ना तो इसलिए। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं, हमारा सवाल है आज का बूझो तो जीतो का, वो ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में होते हुए भी हमारे हाथ खाली होते हैं? पानी। नहीं, पानी आ गया तो वो खाली कैसे हुआ फिर? मेरा ख्याल है एक्सट्रीम दोनों साइड्स पे बुरी है। बहुत ज़्यादा मारना भी बुरा है और बिल्कुल कुछ भी कहना जो है ना कहना वो भी बुरा है। मेरा ख्याल है, पर्सनली मेरी ये राय है कि महीने में एक दफ़ा एक एग्जांपल ज़रूर सेट होनी चाहिए ताकि पता हो कि हमारे साथ ये भी हो सकता है। लेकिन आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली आप ए लेवल्स को पढ़ाती हैं, तो ए लेवल्स के बच्चे तो वैसे ही बहुत आउटस्पोकन होते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। इस वक्त हम है लिबर्टी मार्केट में, हम कर रहे हैं लोगों से सवाल और सवाल हमारा आज का ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में होती है लेकिन आपके हाथ फिर भी खाली होते हैं। हम लोगों से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा। आपका? तस्नीम। क्या करती हैं आप? घर वाइफ। घर पर ही होते हैं, हाउस वाइफ हैं। आप क्या करती हैं? यूनिवर्सिटी से बीएड कर रही हूँ मैं। अच्छा, आप बीएड कर रही हैं, ये आपकी मदर हैं? जी। ठीक है, अभी लिबर्टी में शॉपिंग कर रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं? जी। वेरी गुड। अभी हमारा सवाल है आज का, वो मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में होती है लेकिन आपके हाथ खाली होते हैं? हाथ में होती है, हाथ खाली होते हैं। सोचने दे थोड़ा सा। सोचे थोड़ा सा, कोई गेस लगाएं। पैसा। पैसा। पैसा आ गया हाथ में तो कहाँ खाली रहा? खाली रहता है। चलिए आपको हिंट देती हूँ, हिंट ये है कि सर्दियों में पहनने वाली चीज़ है। पहनने वाली चीज़ है? हाँ, तो वही स्वेटर वगैरह। नहीं, सर्दियों में पहनने वाली चीज़ है, सोचे। नहीं, आपको नहीं पता। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं आप क्या गोल्स हैं लाइफ के, क्या करना चाहती हैं? मैं आगे लेक्चरर बनना चाहती हूँ। लेक्चरर बनना चाहती हैं, सख्त वाली टीचर? नहीं सख्त तो अम्मा ने जिस तरह मामा ने क्लासेस लगाई हुई ऐसा लग रहा है ये भी टीचर ही हैं। वैसे हमारी टीचर ही होती हैं। अम्मी के हाथ का सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? सब कुछ पसंद होता है अम्मी के हाथ का। तो वैसे ये चिकन बहुत मज़े का बनाती है मामा। कौन सा चिकन? चिकन चिकन नहीं, चिकन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चिकन में बिरयानी होती है, चिकन कढ़ाई होती है। कढ़ाई पसंद है आपको? अच्छा जी, कोई ख़ास रेसिपी है? सही बात, ये तो हर किसी की पसंद है ना। अच्छा, क्या क्या रेसिपी है कुछ शेयर करना चाहेंगी? हमारी खवातीन नोट कर लें, मुझे पता लग जाए। ब्यूटी टिप देंगी? अरे वाह, आज तो हमारी खवातीन खुशी से पागल हो जाएंगी, क्योंकि हमारी जो खवातीन है ना, वो उनको चाहिए होता है कि बस हम कुछ ना कुछ अपने मुंह पे करती रहें। तो बताएं क्या ब्यूटी टिप देने वाली हैं आज आप? ब्यूटी टिप स्किन को ग्लो करने के लिए है कि आप सुबह के टाइम ना, सुबह जब आप उठते हो और फेस वॉश किए बगैर आपने स्किन पे ना हाफ टी स्पून जो है ना वो हल्दी और थोड़ा सा दही लेके ना उसको फेस पे लगाना है 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट बाद आपने उसको उसकी मसाज करनी है लाइट से, बहुत ब्राइट, और उसको फिर वॉश करना और आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो हल्दी का कलर नहीं आ जाता मुँह पे? नहीं नहीं नहीं, वो वॉश करने से नहीं आता। पक्की बात है, पता लगे कि मैं ट्राई करूँ घर जाके सुबह सुबह मैं पीली पीली हो जाऊँ? नहीं नहीं, वो वॉश करने से नहीं आता। अच्छा, वॉश करने से नहीं आता, चलें ठीक है। आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारी ज़रा बेटियों को? मैसेज दें, हमारी आजकल जो बेटियाँ ना बहुत हवाओं में चली गई हैं, किसी की नहीं सुनती। मैं ये बेटियों को ये होना चाहिए कि अपनी म्याना रवि इख्तियार करें तो सादगी में रहे ज़्यादा। और मेरी वैसे पुप्पो जान हैं, वो हमेशा कहती हैं बेटा किफ़ायत शुरी करो, किफ़ायत शुरी करो, इसराफ ना करो। किफ़ायत शुरी से आगे ज़िंदगी अच्छी चलेगी ना बंदे की। ठीक है, किफ़ायत शुरी। बाकी वैसे आजकल खवातीन होती है लड़कियों से?
हाय चारी, हम तो पैसे उड़ाते ही हैं हमेशा, कभी सेविंग्स की हैं आपने? जी कर लेते हैं। सेविंग्स करती हैं आप? अच्छा, अल्लाह करे मेरे अंदर भी ये आदत आ जाए। थैंक यू वेरी मच, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर। लें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। बड़ी अच्छी उन्होंने जो है वो ब्यूटी टिप दी है, आपने ट्राई करना है और ख्याल से ज़रा ट्राई कीजिएगा। हमारे जो प्रोग्राम के तवसत से जो है वो ब्यूटी टिप्स जाती हैं, तो ये ना हो कि आपका फेस ख़राब हो जाए, अपनी स्किन को देख के ये सेंसिटिव ना हो। तो ब्यूटी टिप उन्होंने ये दी है कि आपने दही और हल्दी लेना है बग़ैर मुँह धोए, उसका जो है वो मास्क लगाना है और उसके बाद आपने जो है वो मसाज करना है, मुँह धो लेना है, तो ग्लोइंग स्किन हो जाएंगी। मैं भी ट्राई करूँगी, आप भी ट्राई कीजिएगा। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? महजिल। महजिल जी, बड़ा खूबसूरत नाम है। ये वो अरके महजिल तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, देखिए वो शरबत होता है अरके महजिल। क्या करती हैं आप? स्टडी कर रही हैं। मुझे बताएं, आपने बड़ा प्यारा जो है वो अबाया पहना हुआ है, बड़ा फ्लोरल सा, तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मुझे बताएं कि वैसे आपकी लाइफ की क्या गोल्स हैं, क्या करना चाहती हैं? बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन सीक्रेट है। सीक्रेट है, फिर भी आप यू कैन शेयर, आप बता सकती हैं कैमरे पे। यूके में जाके स्टडी एंड व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान को क्या इशू है? बस यूके का ड्रीम है ना, इसलिए। अच्छा, वैसे मुझे आई लव यूके टू, मेरा भी बड़ा दिल करता है मैं सैर करने जाऊँ। मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन आपको यूके में क्या अच्छा लगता है? उधर घूमना फिरना, इंजॉय। घूमना फिरना लगता है, सबकी स्टोरीज देखती हूँ और आप कहती होंगी कि यार चलो मैं भी चली जाऊँ उधर, ये तो इसलिए। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं, हमारा सवाल है आज का बूझो तो जीतो का, वो ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में होते हुए भी हमारे हाथ खाली होते हैं? पानी। नहीं, पानी आ गया तो वो खाली कैसे हुआ फिर? पैसे। सोच के जवाब देना। पैसे रख दिए मैंने आपके हाथ में तो आपके हाथ खाली तो ना हुए? दो मिनट में ख़त्म हो जाएंगे शॉपिंग करेंगे ना। हाँ, ये एक वैसे बड़ा मसला है। क्या शौक़ है वैसे, क्या कलेक्ट करने का शौक़ है? जूते, कपड़े, ज्वेलरी, क्या पसंद है? मेकअप और ज्वेलरी। मेकअप और ज्वेलरी, तो कभी ऐसा हुआ है? वैसे मेरे साथ अक्सर होता है कि मेरा एक जो एयरिंग होता है वो हमेशा गुम जाता है और मैं हमेशा जब भी इमरजेंसी में कहीं जाना होता है तो मुझे कभी नहीं मिला। आपको ऐसे होता है आपके साथ? बहुत ज़्यादा। और मेरे घर में अनोखी नहीं हूँ, बहुत टाइम लगाती हूँ तुम तैयार होने में। वैसे आप लग तो नहीं रहा, आप तो माशाल्लाह बड़ी नेचुरल सी लग रही हैं। क्या करती हैं वैसे, स्किन भी आपकी बड़ी अच्छी लग रही है, कोई ब्यूटी टिप देना चाहेंगी? क्या करें, कोई होम रेमेडी करती हैं? बस नमाज पढ़े। ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा मुझे बताएं कोई रेमेडी है? नहीं, मैं जो सुबह करती हूँ और रात में करती हूँ कुछ भी नहीं अप्लाई करती फेस पे। ये तो राज मुझे आप लग रहा है, आप बताना नहीं चाह रही हैं, बता दें राज। नहीं, राज तो कुछ भी नहीं है, बस नमाज पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, बस और कुछ। अच्छा, नहीं ठीक है, चलें। मुझे बताएं वैसे क्या मैसेज देना चाहेंगी किस बारे? जो हमारे यंगस्टर्स हैं बाहर जाना चाहते हैं, उनको बाहर जाना चाहिए या पाकिस्तान में रहें? आप लोग पाकिस्तान में रह के स्टडी करें, मैं बस जाऊँगी बाहर। मैसेज, अच्छा मैसेज भी देखिए कह रही हैं आप लोग सारे पाकिस्तान में रहें, मैं बाहर जाके स्टडी करूँगी। थैंक यू सो मच लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक गिफ्ट है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, बड़ी फ़नी सी बातें उन्होंने की। कहती हैं कि जी बाकी सब पाकिस्तान में रहे, मैं जाऊंगी बाहर। तो हम बढ़ते हैं, और भी प्रोग्राम इंटरेस्टिंग होने वाला है, लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? जुबिंदा। आपका? बाबर। बाबर क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स का काम। गारमेंट्स का काम, आप क्या करती हैं? मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग करती हैं, बड़ी सख्त टीचर होंगी आप, काफ़ी रोब जमाती होंगी आप अपने मियाँ पे, ऐसा ही है? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं वैसे ऐसा मुझ... देखा वो अब छुपा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो नहीं डरता बेगम से। नहीं नहीं, मैं नहीं डरता। नहीं डरते आप बताएं, डरते हैं आपसे? नहीं, मेरी बात मान लेते, प्यार करते, डरते नहीं है। अच्छा, डरते नहीं है। वैसे मुझे लगता है दुनिया का हर मर्द अपनी बेगम से डरता ही है। नहीं नहीं, मैं नहीं डरता। आप नहीं डरते, ठीक है, जरा सा भी डर नहीं लगा? अभी नहीं। कभी घर लेट हो गए हो तो आपने कहा यार बेगम नाराज होगी? नहीं ऐसा हुआ नहीं कभी, घर पे ही होते। लेट नहीं हुआ? लेट नहीं हुए कभी, सारे काम करके ही घर जाते हैं। हमारा सवाल है आज का, मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में होते हुए भी हमारे हाथ खाली होते हैं? वक्त। वक्त ही होगा। ये तो आपने ज़रा बड़ा वो वाला जवाब दे दिया ना, लेकिन मैं आपको बता हिंट दे देती हूँ कि वो पहनने वाली चीज़ है, मतलब पहन के भी वो हाथ खाली ही होते हैं आपके। रिंग्स भी हो सकती हैं, वॉच भी हो सकती है। नहीं, रिंग पहनेंगे तो कैसे खाली? पहन रहे हैं लेकिन हाथ खाली है। नहीं, एक और हिंट, सर्दियों में पहनने वाली चीज़ है। ग्लव्स। वाह,
एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब। मैंने कहा मुझे जवाब मिल ही नहीं रहा, फाइनली मैं ही कोई हिंट दे दूँ किसी को। आप बताएं, वैसे टीचर शादी से पहले भी टीचिंग करती थी? हाँ जी हाँ जी। कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं? मैं ओ लेवल्स को बायोलॉजी पढ़ा। ओ लेवल्स को पढ़ाती हैं। मुझे बताएं कि आप टीचर हैं, कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। पहले जब हम पढ़ा करते थे स्कूल में तो बड़ी सख्ती हुआ करती थी, टीचर्स जो हैं वो मारा भी करते थे, बेंचेस पे भी खड़ा कर देते थे और ऐसी सजाएं भी मिलती थी। आजकल तो स्कूल्स में कहते हैं कि आपको अलाउ ही नहीं है हाथ लगाना, तो पुराने ज़माने की ज़्यादा सही है टीचिंग या आजकल की? मेरा ख्याल है एक्सट्रीम दोनों साइड्स पे बुरी है, बहुत ज़्यादा मारना भी बुरा है और बिल्कुल कुछ भी कहना जो है ना कहना वो भी बुरा है। मेरा ख्याल है पर्सनली मेरी ये राय है कि महीने में एक दफ़ा एक एग्जाम्पल ज़रूर सेट होनी चाहिए ताकि पता हो कि हमारे साथ ये भी हो सकता है। लेकिन आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली आप ए लेवल्स को पढ़ाती हैं तो ए लेवल्स के बच्चे तो वैसे ही बहुत आउटस्पोकन होते हैं, क्या लगता है आपको? लेकिन नहीं, मैं इस चीज़ के लिए मशहूर हूँ कि बच्चे कहते हैं ये हाथ नहीं लगाती लेकिन ज़ुबान से ऐसा मारती हैं कि वो हाथ से ज़्यादा लग जाते हैं। अच्छा, यानी आप ऐसी वाली सख्त वाली टीचर हैं। चलें, तो वैसे मुझे याद है हमारी भी टीचर की कोई ना कोई फेवरेट स्टूडेंट होती थी, तो आपकी भी कोई फेवरेट स्टूडेंट है? हाँ होती है डेफिनेटली, जो तंग नहीं करते और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ओबीडिएंट होते हैं। ओबीडिएंट आप अपनी जो बेगम है उनके अच्छे स्टूडेंट हैं? हाँ जी बिल्कुल। चले, थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से हम आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर और जाते जाते आप जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ही देंगी। आप कोई मैसेज नहीं देना चाहेंगे? आप मुझे लगता है सिर्फ आपका काम है मैं शॉपिंग कराऊंगा और यही बोलेंगे। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान की अपनी सेहत और पैसे से ज़्यादा सगा कोई नहीं होता, सो इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा अपनी सेहत से ज़्यादा जो है वो कुछ भी अजीज़ नहीं होता है और बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। टीचर थी तो हमने सोचा कि हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम होता है। आई होप आज का शो आपको अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा। और हमारा आज का जो सवाल था जो कि हमने लोगों से किया वो ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में रहते हुए भी आपके हाथ खाली होते हैं, तो उसका सही जवाब है ग्लव्स, दस्ताने। तो बड़ा आसान सा जवाब था, लोग जवाब उस तरह से नहीं दे सके, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो आपको जवाब बता दिया है। आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना नहीं भूलना, बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। इसके अलावा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई टैलेंट सामने लाना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मानूर कुरैशी ऑफिशियल। तो मैं हाजिर होंगी अगली एपिसोड में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।